मायावती ने इस्तीफा क्यों दिया था? हाँ। क्या बोला राज्यसभा में उसने? हाँ। कि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती हूँ। हाँ। मैं नहीं रहूंगी। क्या ये दलित का अपमान नहीं है? हाँ। क्या ये दलित का अपमान नहीं है? किसी का विकास नहीं हो रहा, सिर्फ बीजेपी का विकास हो रहा है और उनके खास मित्रों का विकास हो रहा है। आज संसद का घिराव करके क्या मिला? सदस्यता वापस मिल गई। सुना करे भाजपा वालों ने क्या क्यों क्यों किया कपड़े उतार के? अच्छा ये बताइए भाजपा वालों ने किया क्या? आप देखिए बीच बीच में इंटरप्ट मत करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से। अगर मीडिया वाले हमें सुनना नहीं चाहते हैं तो बंद करिए तामझाम। फिर आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। बोले क्या स्वामी जी? आप बताइए संसद का घिराव क्या पहली बार हो रहा है? नहीं पहले भी हो चुका। भाजपा ने नहीं किया है, किया है। कपड़े नहीं उतारे पर महंगाई के लिए। हाँ। रंगा नाच नहीं किया। हाँ। डांस नहीं किया। राहुल गांधी की बात आई तो सड़कों पे आ गए, किसी और नेता की बात आए तो घरों में रहते हैं। देखिए सभी नेताओं के लिए बोला गया है, आजम खान के लिए आवाज उठाई, सबके लिए बोला गया, तो उनकी भी सबके लिए बोला गया है। एक बात बता, अगर आज विपक्ष कांग्रेस का साथ दे रहा है ना। हाँ। तो इसीलिए दिया है कांग्रेस सबके साथ थी। हाँ। हमारा काम क्षेत्रीय बाड़े को खत्म करना नहीं था। हाँ। भाजपा क्षेत्रीय बाड़े को खत्म करना चाहती है। हाँ। दलित मायावती ने इस्तीफा क्यों दिया था? हाँ। क्या बोला राज्यसभा में उसने? हाँ। कि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती हूँ। मैं नहीं रहूंगी। क्या ये दलित का अपमान नहीं है? क्या ये दलित का अपमान नहीं है? आप लोग जवाब लीजिए तो ढंग से लीजिए, जाके सरकार से, हमसे ना बाबा पूछिए। सरकार में जो बैठे हैं वो तो कह ही रहे कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी जी सावरकर के वंशज नहीं है, वो गांधी वंशज हैं। और राहुल से कहिए कि माफी भी बोलो। गांधी के वंशज हैं तो अकड़ दिखा रहे, माफी नहीं मांग रहे। मोदी जी कब मांगेंगे? मोदी जी कब मांगेंगे? अब मैं म्यूट हो गया। करेंगे करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पे कब मांगेंगे? क्यों नहीं आप लोग मुद्दा उठाते? बताइए मुद्दा उठेगा आपके? ऐसा मुद्दा उठेगा कि जेल भी जाएंगे राहुल? अरे तो हम तो जेल में जाने के लिए तैयार हैं। भक्तो लो हम तो कांग्रेस के। देखिए किसी भी क्रांतिकारी पार्टी क्रांतिकारी को ना सांसद होना जरूरी है ना विधायक होना जरूरी है। हमारी आवाज़ राहुल गांधी की आवाज़ संसद में गूंजती थी और चौकीदार चोर डर गया, तड़ीपाट डर गया। चौकीदार चोर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे हम बोलेंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है और तड़ीपाट। अगर चोर को चोर बोलना पाप है तो हम चोर है। आप वो बाप है क्या? वो देश के प्रधानमंत्री है, बाप नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे? हम करेंगे, बार बार करेंगे। अच्छा। अगर वो हमारा अपमान करेंगे, हमें भूखा रखेंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, भूखा रखेंगे। अगर हम सवाल करने को आप अपमान मानते हो तो हम अपमान बार बार करते रहेंगे। सवाल का आप तो चोर कह रहे हो, सवाल। अरे चोर को चोर करना पाप है तो हम पापी है ना, मैं जेल में डाल दो। ललित मोदी, एक मिनट, ललित मोदी कौन है? भागा है। मेहुल चौकसी कौन है? भागा है। इन सब पे ईडी क्यों नहीं जाती? इन पे ईडी इनके न्यूज क्यों नहीं चला जाती? गोदी मीडिया इन पे चुप क्यों है? मतलब रिश्ता है, रिश्ता है, रिश्ता है। जर्सी गाय पे करेंगे, सुपलंका पे करेंगे, हजारों केस है। आप प्रधानमंत्री से सस्ता जाना तय है, मतलब मोदी जी को सदस्यता रद्द कराएंगे आप? क्यों, वो राहुल ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला, राहुल गांधी ने अपमान किया, मोदी जी ने अपमान थोड़ी ना किया। अच्छा फिर मैं पूछूंगा, 14 से पहले आपको शर्म आती थी यहाँ रहने में? 14 से पहले आपको शर्म आती थी यहाँ रहने में? नहीं आती थी ना, मोदी जी को आती थी। अच्छा, उन्होंने बोला है चाइना में 14 से पहले हालात ऐसे थे। पहले सुन लीजिए, 2008 की मंदी मत भूलिए। देखिए आप लोग घुमाने लगी, जैसे ही हम सवाल भाजपा से पूछते हैं वैसे दलाल मीडिया में घुमा देती है। हम नहीं घूमने वाले, अगर आप हमारी बात बॉय करने का मौका नहीं दोगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे राहुल गांधी जी हर इंसान के, हर देशवासी के दिल में है। राहुल गांधी जी सदन में हो या सदन में नहीं हो, वो जनता के हित की आवाज़ उठाते रहेंगे। जिस तरीके से सत्ता में बैठा हुआ सरकार एक मजबूत ऑपोजिशन की आवाज़ को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए और साथ ही साथ और भी एमपी को डराने के लिए, ये है कि आप अगर अपनी आवाज़ उठाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई, हम ऐसे इस इन तरीके से ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। एक तरीके से बाकी सारे एमपी को एक डर का माहौल खड़ा करने के बराबर है। तो ये बिल्कुल कहूँगी कि राहुल गांधी जी विजयी होंगे और लोग
और ना सिर्फ सदन में बैठेंगे पर वो इस देश के प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। मैम अभी चुनाव लड़ने तो योग्य है नहीं, अब प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? देखिए सच्चाई की जीत होती है और हमें देश में अभी भी उच्च न्यायालय पे वगैरह से विश्वास है। उस विश्वास के दम पे मैं कहती हूँ सच्चाई की जीत होगी और राहुल गांधी जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस सरकार ने जिस तरीके से, क्योंकि आज कांग्रेस के, आज राहुल गांधी जी हो सकते, कल कोई भी, कल इसमें से और कोई भी एमपी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि हम राहुल गांधी जी ने कोई गलत चीज कहा? नहीं, हम उस देश में हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये बोलने की आजादी देता है कि हमारे मन में क्या है और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने बताने की, बत बोलना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में है। क्या 2024 के लिए सब कुछ हो रहा है? ये जो हो रहा है वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हो रहा है। ओबीसी का अपमान जो लग रहा है कि ओबीसी का अपमान करने का काम किया है, उससे कैसे बन पाएंगे? मोदी जी ने ललित मोदी को और दूसरा मोदी कौन है, नीरव मोदी, इन दोनों को ओबीसी बुला के पूरे देश के ओबीसी को गाली दिया है, पूरे देश के ओबीसी को चोर साबित कर दिया है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। मुझे विश्वास है पूरा ओबीसी एकजुट होके इनको बता देंगे कि ओबीसी को चोर बुलाना क्या होता है। राहुल गांधी जी जरूर वापसी करेंगे, पूरी मजबूती के साथ वापसी करेंगे और इस बार पूरी देश की जनता भी उनके साथ है, युवा कांग्रेस के साथ ही पूरे देश की जनता उनके साथ है। और ये तो कोर्ट का मामला है ना, देखिए कोर्ट का मामला है, अभी आगे और जाएगा, उसमें फैसला आएगा और राहुल गांधी जी वापसी करेंगे। वापसी करेंगे उम्मीद है? हाँ जरूर वापसी करेंगे, दो साल तो चुनाव नहीं लड़ सकते ना, वापसी करेंगे, वापसी करेंगे। किसके खिलाफ है आंदोलन? आंदोलन तानाशाही के खिलाफ है, जिस तरह से हमें लोकतंत्र के खिलाफ बोल, रोज लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़कों में बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष के घरों, विपक्ष के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से 2024 में बैक फुट पर आएगी और कांग्रेस की सरकार। लोकतंत्र तो मोदी जी मजबूत कर रहे हैं, लोकतंत्र मोदी जी मजबूत नहीं कर रहे हैं, एक अकेले किसी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी है लोकतंत्र के लिए। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है तो कहाँ से लोकतंत्र मजबूत हुआ? आप सिर्फ तानाशाही करोगे, विरोध को नहीं सुनोगे तो वो लोकतंत्र कहाँ से हुआ? आप बीस गुरु नहीं बनने दोगे भारत को? बीस गुरु, बीस गुरु क्या अकेले मोदी जी से होगा कि पूरे देश के साथ चलकर होगा, सबको साथ लेके चलने से होगा? तो सबका साथ सबका विकास होता रहा? किसी का विकास नहीं हो रहा, सिर्फ बीजेपी का विकास हो रहा है और उनके खास मित्रों का विकास हो रहा है। और आम जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, बाकी सभी चीजों से त्रस्त है। कहाँ महंगाई को लेकर आंदोलन होते हैं? सभी चीजें, इन्हीं सभी चीजों की तो आवाज उठा रहे थे राहुल गांधी जी, इसीलिए तो उनकी सदस्यता रद्द की गई है। अच्छा, इसीलिए गई है? जो जो सत्य के लिए खड़ा होता है, आवाज उठाता है, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां होती ही है। अब 24 में क्या होगा? वो समय समय आएगा और मोदी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ऐसा करके। अरे बस में पढ़ने Thank you.